बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान ब्राए जमात नहमो-दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मजीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज़ तलबा तलबात, फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आप लोगों ने देखा कि हमने लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। 2.3 एक्सरसाइज थी हमारी, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट किया था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए थे, वो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि वो होमवर्क किया होगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस थी आपकी। अब एक्सरसाइज हमारी 2.3 है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इन जो हमें रैशनल नंबर्स नीचे दिए गए हैं इन्हें हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से क्या मुराद है, बात ये है, ठीक है। बात क्या है, एक तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर का पता होना चाहिए, ठीक है। DESCENDING, descending, ठीक है, order, descending order का क्या मतलब होता है? Descending order का मतलब होता है कि आप बड़े से छोटे की तरफ मूव करेंगे, बड़े नंबर से छोटे की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये आप अपनी बुक्स पे चाहे नोट कर लें, चाहे आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लें कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाएं, ठीक है। और क्या होता है कि एक आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हम सॉल्व करते हैं, पर पहले देख लें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है एसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जिसे कहा जाता है, ASCENDING, एसेंडिंग आगे ऑर्डर, ORDER, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, छोटे नंबर से बड़े नंबर की जानिब जाना, की तरफ जाना, ठीक है। अब आप लोग ये चीजें तो नोट कर लें, अपनी नोटबुक्स पे कर लें या अपने बुक के ऊपर ही साइड पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 2 के आगे डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएं, ठीक है, तरफ जाना। और एसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, ठीक है। ये आप लोग लिख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 को तो बाद में हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर वाले को। पहले है डिसेंडिंग ऑर्डर, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें डिसेंडिंग ऑर्डर हमने करना है, ठीक है। सो पार्ट नंबर 1 इसका देखें, बल्कि पार्ट नंबर 1 को छोड़ें, पार्ट नंबर 2 देखें, 1 आप खुद कीजिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखें, उसमें है 1/6, 3/4 और एक है 1/2, ठीक है। ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो कि रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं, P
पी बाय क्यू की फॉर्म में, और इसमें हमें पता चल रहा है कि क्यू जो है जो कि नीचे है, जो बटे के नीचे वैल्यू है वो हमारी क्या है, नॉन जीरो वैल्यू, यानी जीरो नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बड़े से छोटे की तरफ मूव करेंगे हम लोग, ठीक है, बड़े नंबर से छोटे की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लिए रफ वर्क करना है। आपने रफ वर्क करेंगे, रफ वर्क का मतलब होता है जो कि आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा, ROUGH, रफ वर्क, ठीक है, आप लोग करेंगे। इस रफ वर्क में आप क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे 1 को आप डिवाइड करेंगे 6 पे, ठीक है, ये 1 है, 1 को आप अंदर रखेंगे और 6 पे डिवाइड कर देंगे। सो देखिए 1 जो है वो छोटा है 6 से, इसलिए आप पॉइंट ले लेंगे और 0 लगाएंगे, ठीक है। सो अब करें आप 6 को मल्टीप्लाई, 6 1 और 6, अगर 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, वो 10 से बड़ा आ जाएगा, इसलिए मैंने 1 से किया तो 6 आया, 4 रिमेनिंग बचा, पॉइंट की वजह से 0 दोबारा आ गया हमारे पास, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, 6 को इतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 40 आए या 40 से छोटा आए, ठीक है। सो 6 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास फिर से 4 आ गया रिमेनिंग आंसर। सो इस तरह ये 6 से दोबारा मल्टीप्लाई होगा और फिर 36, और ये गेम इस तरह चलती रहेगी, ठीक है। सो यानी हमारा नंबर क्या आ रहा है, हमारा नंबर आ रहा है 0. अब पॉइंट से पहले 0 लगाएं, 0.166, एक आंसर आपका ये आ गया। अब 3 को डिवाइड करें 4 पे, सो 3 4 पे डिवाइड होता है आपके ख्याल में, नहीं होता। सो आप क्या करेंगे, आप लोग फिर वही पॉइंट लेंगे, ठीक है, पॉइंट लिया 0, ठीक है, 4 यहां पे भी 0 आ गया, ठीक है, 4 को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाए, तो 4 7 28, ठीक है, 30 तो आता नहीं है 4 के टेबल पे, इसलिए उससे छोटा लिया हमने नंबर जो कि था 28, ठीक है, 7 से मल्टीप्लाई किया 4 को तो 28 आया, 2 बच गया। अब पॉइंट की वजह से 0 दोबारा हमने ले लिया, तो 4 5 20, तो अब आप देखें कि हमारा नंबर जो है वो क्या आ गया, 0.75, ठीक है, ये हमारा एक आंसर आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 1 और 2 को, सो देखिए फिर से हमें पॉइंट लेना पड़ेगा, सो 0 आ गया, 2 5 10, सो हमारा आंसर क्या आया, 0.5। अब आपने इनमें देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, और उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, ये चीज आपने अब देखनी है, ठीक है। सो किस तरीके से आप लोग देखेंगे इस चीज को, आप लोग देखें कि आंसर्स इनके को कंपेयर करेंगे, 0.75 बड़ा होता है सबसे, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, कैसे पता, ये देखें 0.5 है, ये है हाफ, ये है 0.75, ये हाफ से एक गुना ज्यादा बड़ा है, एक एक अगर एक तक मैं गिनती लिखूं पॉइंट्स में तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 0.25, 0.25, फिर इसके बाद आ जाएगा 0.5, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा 0.75, फिर उसके बाद आ जाएगा 1, एक को जब मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो आएगा 0.25, 0.50, 0.75 और 1, ठीक है। सो ये देखें कि सबसे बड़ा इसमें नंबर है 0.75, उससे नंबर 1 पे ये आएगा, क्योंकि बड़े से छोटे की तरफ हम जाएंगे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। 0.75 1 पे आएगा, सेकंड पे 0.5 आएगा, और थर्ड पे हमारा 0.166 आएगा। अब देख ले आप कि सबसे पहले 0.75 किसका आंसर है, 4 और 3 का, यानी इसका। सो इसको आप पहले लिख देंगे 3/4, कॉमा लगाएंगे। अब देखें 2 और 1 का सेकंड नंबर पे है 0.5, ठीक है, तो 1 और 2 ये वाले हैं, तो इसको आप सेकंड पे लिखेंगे क्योंकि सेकंड नंबर पे आया है ये वाला। अब थर्ड नंबर पे कौन सा आया, 1 और 6, सो आप 1 और 6 को थर्ड नंबर पे लिख देंगे। सो जब आप इतना काम कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 3/4, 1/2 और 1/6, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे लिख दिया, ठीक है, आपने जस्ट इनकी तरतीब को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था तो आपने वो लिख दिया।
आप देखें कि आप लोगों के बाकी जो दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में से भी एक पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। सो क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट पढ़े, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स। सो हमने क्या करना है कि जो हमें रैशनल नंबर्स नीचे दिए गए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की जानिब जाना है, ठीक है। सो अगर मैं इसका पार्ट नंबर थ्री आपके साथ शेयर करूं, क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट नंबर थ्री, सो उसमें क्या है, 3/8 / 8 कोमा 1/4 कोमा और 5/6, ठीक है। ये आ गया हमारा। आप क्या करेंगे, आप इसमें भी इनको डिवाइड करके देखेंगे, 3 अंदर रखा, 8 से डिवाइड किया, क्या आएगा हमारे पास, ये हमें 0 पॉइंट लेना पड़ेगा और 0 यहां पे आएगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, 8 जब 3 को हम लोग डिवाइड करेंगे 8 पे, तो किस तरीके से होगा कि 8 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करें कि 30 आए या 30 से छोटा है, तो 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो 24 मेरे पास आएगा और 6 रिमेनिंग बचेगा। अब मैं 8 को पॉइंट, फिर पॉइंट की वजह से 0 दोबारा ले लेता हूं, 8 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए या 60 से स्मॉल आ जाए, तो 8 8 8 64 होता है, तो 8 7 7 कर लेते हैं, 8 7 56 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 56 में से 4 रिमेनिंग हमारे पास बच जाएगा आंसर, ठीक है। 4 रिमेनिंग जब बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट की वजह से 0 दोबारा आ जाएगा और 8 5 40 आ जाएगा। सो ये हमने क्या कर दिया, इसको सोल्व आउट कर दिया और हमारा आंसर आया 0.375, ठीक है। अब मैं 1 और 4 को डिवाइड कर देता हूँ, 1 को अंदर और 4 से बाहर डिवाइड करूंगा मैं इसे। सो 1 को 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आप करेंगे 4 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 2s are 8 आ जाएगा, 2 are remaining बचा आपके पास, पॉइंट की वजह से 0 दोबारा आ गया, 4 5 20 होता है, सो 0.25 आपका आंसर आया। अब 5 और 6 को आप जब डिवाइड करेंगे, 5 अंदर 6 बाहर, तो पॉइंट लगा के 0 ले लेंगे। 5 और 6 को जब डिवाइड करेंगे आप लोग, तो 6 को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाए या 50 से स्मॉल आ जाए, तो कितने से करें हम लोग, 6 10 7 तो 60 होता है, और अगर मैं 6 9 से करता हूँ तो वो देख लें आप लोग, 60 और 56 आ जाएगा, 56 बड़ा हो जाएगा। 8 से कर लेते हैं, ठीक है, 8 से करेंगे तो हमारे सॉरी 6 को करेंगे 54 आएगा, 6 9s are 54 आ जाएगा और 6 8s are 48 आएगा, ठीक है। 54 बड़ा हो जाएगा और 48 आए, तो वो 50 से छोटा होता है, तो वो लिख लेते हैं हम लोग। और रिमेनिंग हमारे पास बचा 2 2 को अब देखें, पॉइंट की वजह से फिर 0 आ जाएगा, 6 3 18 में लिख लेता हूँ, ठीक है, और मेरे पास आ जाएगा 2 दोबारा से, फिर 6 3 18, इसी तरह से ये चलता जाएगा सिलसिला, 0.83333 ऐसे ही चलता जाएगा ये सिलसिला, ठीक है। सो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब मैंने किस तरीके से लिखने हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, एसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे नंबर से बड़े नंबर। सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा लग रहा है इसमें, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो मेरे नजदीक इस टाइम इस बुक मुझे लग रहा है वो है ये वाला 0.25। 0.25 सबसे छोटा है, क्योंकि आप देखें कि 0 के बाद पॉइंट में 2 छोटा है ना, 0 के बाद 2 है, यहां 0 के बाद 3 है, यहां 8 है। सो अब आप लोगों को तरतीब भी पता चल रही होगी कि छोटे से बड़े की तरफ जाना है, तो सबसे छोटा तो ये है, तो नंबर वन पोजीशन इसकी हुई, ठीक है। नंबर सेकंड पोजीशन देखें कि ये आ रहा है, मुझे लग रहा है ये वाली नंबर सेकंड है, सो क्योंकि ये देखें 0 के बाद 3 आया है, तो सेकंड पोजीशन ये हो गई। 0 के बाद 8 आया, ये सबसे बड़ा है, तो ये थर्ड पोजीशन हो गई, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, अब इनको अरेंज करूंगा,
इनको अरेंज करके अब मैं लिखूंगा। तो देखिए सबसे बड़े छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना है। सो सबसे छोटा तो ये था, इसको नंबर वन हमने कहा, सबसे छोटे को। तो अगर ये नंबर वन है तो इसको, ये वन और फोर क्या है यानी ये वाला नंबर है, तो इसको पहले नंबर पे लिख दें, वन फोर, कोमा लगाएं। दूसरे नंबर पे आप देखें, आपने दूसरा नंबर इसे दिया, सो ये क्या है, एट, एट, थ्री और एट, यानी ये वाला नंबर मैं लिख देता हूँ, थ्री और एट। अब थर्ड आपने किसको दिया, इसको, फाइव और सिक्स को, तो ये वाला वो नंबर है, तो इसको फाइव सिक्स में लिख देता हूँ, ठीक है। सो आप लोगों ने नंबर्स को अरेंज किया और आपके पास रिजल्ट फाइनल क्या आया, 1/4, 3/8 और 5/6। आपने किस किस में अरेंज किया, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। सो ये आपका ये आंसर हो गया। पिछला डिसेंडिंग ऑर्डर था यानी बड़े से छोटे की तरफ, और ये जो है ये असेंडिंग ऑर्डर है यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, ठीक है। सो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ जाते हैं, उसमें कुछ पार्ट्स जो है उनके शेयर करता हूं मैं आपके साथ, और कुछ आपको होमवर्क के तौर पर दिए जाएंगे, ठीक है। सो इनके भी जो रिमेनिंग टू टू पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर टू का एक पार्ट करवाया, दो आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन नंबर थ्री का ये पार्ट करवाया आपको, और एक जो आपका दो पार्ट्स बाकी रह जाएंगे वो आपका होमवर्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर। सो क्वेश्चन नंबर फोर में आपके पास लिखा हुआ है प्रूव दैट, ठीक है, क्वेश्चन फोर है और उसकी स्टेटमेंट है प्रूव दैट। हमने क्या करना है, इसमें प्रूव करना है, ठीक है, किनको, नीचे दिए गए सवालात को। सो देख लेते हैं हम लोग इसका पार्ट नंबर वन, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर वन आप देखें, इसमें है हमारे पास ब्रैकेट -1/2, ठीक है, ब्रैकेट के बाद -1/2 है, ब्रैकेट सॉरी, ठीक है, -1/2 +1/3, ठीक है, और फिर इक्वल है 1/3 प्लस ब्रैकेट है -1/2। ये आपके पास दिए गए हैं, दो साइड्स दी गई हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लगा है, इक्वल के राइट हैंड साइड पे आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। सो ये दो साइड्स हैं हमारे पास, तो इनको मैं इकट्ठा लेके चलूंगा, ठीक है। ये -1/2 है, इसकी ब्रैकेट ऐसे ही मैं खत्म कर देता हूँ, -1/2 और 1/3, ठीक है, ओपन करके इसे मैंने लिख दिया। और ये देखें 1/3 यहाँ पे आ गया, आप देखेंगे साइन से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, यहाँ पे जिसके साथ साइन नहीं होता वो प्लस होता है, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है। साइंस की मल्टीप्लीकेशन आप देख लें, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर प्लस आता है, ठीक है, माइनस को जब मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो आपका आंसर प्लस आता है, प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर माइनस आता है, माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर माइनस आता है। अब सिचुएशन सुन ले, जब आपके सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपका प्लस आएगा, ठीक है, सेम साइंस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर प्लस आएगा, जैसे प्लस और प्लस दोनों सेम साइन है, प्लस आंसर आया। माइनस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आपका आंसर प्लस आएगा। जब डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, यानी माइनस आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, दोनों डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस आया, माइनस प्लस माइनस, दो डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस आया, ठीक है। ये बात आपने जहन में लिखनी है, ये चाहे जल्दी से जल्दी आप लिख लें इसको, ठीक है, ये मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये आप जहन में रख लें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे किस तरीके से, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये देखिए 1/2 ऐसे आ गया, ब्रैकेट आपने सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनके एलसीएम ले लेंगे, चूंकि एलसीएम कब लिया जाता है, जब दरमियान में प्लस या माइनस हो, दो
नंबर्स के दरमियान वो दो नंबर्स किस में होने चाहिए, आपके फ्रैक्शन में हो, बटे में हो, ठीक है। सो अब आप देखेंगे इनका आपका क्या आएगा। अब देखेंगे दो डिफरेंट नंबर्स है, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 दैट इज 6, ठीक है। तो दो को 6 को जब आप यहाँ पे एलसीएम का तरीका आप सीख लें, इस वाले टेबल, इस वाली साइड पे मैं आपको एलसीएम का तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है। ये 2 और 3 है ना नीचे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 2 और 3 लेंगे, एलसीएम लेने लगे आप, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 1 2 3 वैसे ही आ जाएगा। सो अब 3 से मल्टीप्लाई करें 1 नीचे ऐसे ही, और 3 1 3। सो अब आप देखें कि आपका 1 1 नीचे आके है, अब आपका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम किस तरह फाइंड आउट होगा, ये इसको आपस में मल्टीप्लाई करने से, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 6 होता है, तो 6 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। ये तो हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है इनको किस तरीके से आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखें ये जो 6 है ना, इसको आप अंदर रखेंगे और इसके नीचे है 2, तो इससे आप डिवाइड कर देंगे, तो 2 3 6 होता है ना, ठीक है। आपका आंसर क्या आया, 3। इस 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू के साथ जो कि है 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, और साथ में इसका ये साथ साइन है, ये माइनस का, ये भी आएगा, ठीक है। अब आप देखिए अगला साइन प्लस का है, प्लस का आप लगाएंगे। अब आप देखें कि अब आपने क्या करना है, अब ये काम तो हो गया, अब देखें कि आपका है 6 वैसे ही आएगा ये वाला, अब 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि आगे इससे मल्टीप्लाई होना है, अब 3 पे डिवाइड करेंगे इस 6 को, ठीक है। 3 पे किया डिवाइड तो 3 से किया तो 3 2 6 आ गया, तो यानी आपका आंसर क्या आया, 2। अब ये जो आंसर आया है ना 2, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 से जो कि इस 3 के ऊपर है, तो इस 1 से मल्टीप्लाई करें 2 1 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें अगले में भी इसी तरीके से क्या होगा, 3 2 6 आ जाएगा, और 3 2 6 2 1 2 आ जाएगा, -2 3 6 और 3 1 3 आ जाएगा, ये आपका आया आंसर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने वही सेम, अब बड़े नंबर के साथ हमेशा जो साइन होता है वो आपके आंसर में आता है। अब आप देखिए 3 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, 3 ना, तो 3 के साथ माइनस है, आप माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखें कि प्लस माइनस क्या होता है, अभी मैंने बताया प्लस माइनस माइनस, हमने क्या करना है माइनस करना है, तो 3 में से जब 2 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, 3 में से जब 2 माइनस किए तो हमारा आंसर आएगा -1, ठीक है। 1 आएगा ना 3 में से 2 माइनस किए, 1/6 यहां आ गया। अब आप देखें कि यहां जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ प्लस साइन है, सो साइन फिर देखिए बड़ा किसके साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस कर दें बाकी 1 बचा, अब 1 लिखेंगे divide by 6 आप कर देंगे। सो अब आप देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई है, तो आपने क्या लिखने आगे, हिंस प्रूफ आप ये आगे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग एक और इसका पार्ट करते हैं, ठीक है, वो इसका पार्ट नंबर कर लेते हैं हम लोग थर्ड, इसको मेरे ख्याल इरेज कर देते हैं और थर्ड पार्ट करते हैं इसकी जगह, ठीक है। थर्ड पार्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट है आपका कि आपने 12 और -105 मल्टीप्लाई करना है आपने -15/84, ठीक है, इक्वल है ये -15/84 मल्टीप्लाई हो रहा है ये नेक्स्ट आगे 12/-104 के साथ, 105 के साथ, सॉरी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे,
इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, 12 over 105 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 15 over 84 के साथ। ठीक है, ये आप, ठीक है, और इक्वल करते हैं आप इनको भी, ओपन करके लिखे -15 over 84 मल्टीप्लाई बाय 12 over -105। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई का निशान है यानी क्रॉस कटिंग होगी हमारी। ठीक है, यानी 12 को 84 पे सॉरी कट करेंगे और 15 को 105 पे। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 6 12 होता है और 2 4 8 और 2 2 4। ठीक है, फिर 2 से हो रहा है 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 1 2। अब फिर 3 से हो रहा है 3 1 3, 3 7 21। अब यहाँ 1 रह गया, मजीद कटिंग नहीं हो सकती। इधर देख लें, 15 को करें कट 105 पे, तो 3 के टेबल पे कट हो सकते हैं, 3 5 15। ठीक है, और 3 3 5 15 आ गया, और यहाँ पे 3 3 9, 10 को जब काटा तो 1 यहाँ कैरी आ गया और 3 5 15 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, मजीद कट होता है, होता है 5 के टेबल पे, 5 1 5, 5 7 35। ठीक है, सो ये भी अब 1 आ गया, तो यानी अब मजीद कटिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे भी देखें आप, 2 6 12, 2 2 4 8 और 2 2 4। ठीक है, अब देखें 2 3 6, 2 2 4 2 1 2। ठीक है, और फिर 3 1 3, 3 7 21। अब यहाँ पे भी देखें, 3 5 15 और 3 35 105, यानी 3 3 9, 1 इधर गया, 10 में से 15 बन गया और 3 5 15। ठीक है, अब देखें 5 1 5, 5 7 35। सो यानी अब देखें आप, 1 1, ये अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी माइनस ऊपर है ना, ये देखें माइनस है, नीचे भी माइनस है, नीचे भी माइनस, तो यानी इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, डिवाइडेड बाय, अब आप देखें इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, और आगे जब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49, 7 7 49 होता है, इक्वल लगाएंगे, आगे माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा। अब देखें आपके इधर भी माइनस है किसी के साथ, ये प्लस की थी और ये माइनस की, तो प्लस माइनस 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 49। अब आप एक बात जहन में रखें, जब प्लस माइनस ऊपर नीचे आ गए हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी ऊपर नीचे प्लस माइनस है, इधर भी ऊपर नीचे प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 over 49 इक्वल आ जाएगा 1 over 49 के। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। आगे आप लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। ठीक है, ये इजी से क्वेश्चन थे कुछ। ठीक है, अभी हम फर्दर करेंगे इन्हें सॉल्व। ठीक है, आप एक क्वेश्चंस जो हैं आपके कुछ ऐसे भी हैं अंदर जो कि आप पहले कर चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि आपने नहीं किए। सो अब हम लोग मूव करेंगे उन क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा। ठीक है, वो होगा, इसमें 3 मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं जो कि पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 आपके साथ शेयर करूंगा मैं। पार्ट नंबर 4 में आप देखें, -2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है 7/8 मल्टीप्लाई हो रहा है 9/14 ब्रैकेट क्लोज, इक्वल आ गया आगे ब्रैकेट ओपन -2/3
माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन बाय एट सेवन बाई एट ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई बाय नाइन बाई फोर्टीन। अब इनको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से। माइनस टू बाई थ्री है, इसको आप एज इट इज रहने दें, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो ब्रैकेट में आप देखें कि एज इट इज पहले क्वेश्चन को आप उतार लें, सेवन बाई एट मल्टीप्लाई बाई नाइन बाई फोर्टीन इक्वल आप कर दें माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन बाई एट और मल्टीप्लाई नाइन बाई फोर्टीन ब्रैकेट क्लोज के बाद, ठीक है। अब हम लोग इनको करेंगे माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन बाई एट मल्टीप्लाई बाय नाइन बाई फोर्टीन, ठीक है, इक्वल आ जाएगा माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन बाई एट मल्टीप्लाई बाय नाइन बाय फोर्टीन। अब यहाँ पे आप कटिंग करेंगे इस स्टेप पे किस तरीके से, ये देखिए पहले ब्रैकेट को करें, सेवन वन जार सेवन, सेवन टू जार फोर्टीन, ठीक है। यहाँ पे भी देखें टू वन जार टू, टू फोर जार एट, ठीक है, ये कटिंग हो गई हमारी। इस तरफ वाली कटिंग हो रही है, नहीं हो रही है, ये एट है, ये थ्री नाइन है, ये सेवन है, ये थ्री है, नहीं हो रही। अब इसको आप ओपन कर दें, माइनस टू बाई थ्री मल्टीप्लाई करें, वन को नाइन से मल्टीप्लाई किया तो नाइन आया, ऊपर वाली को ऊपर वाली से, नीचे वाली को नीचे वाली से, आठ को दो से मल्टीप्लाई करें तो आठ दो सोलह होता है, ये आ गया हमारे पास। इक्वल कर दें तो अब आप देखेंगे माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, एक को जब सात से मल्टीप्लाई करेंगे तो सात आ जाएगा, डिवाइड करें तीन चार बारह होता है तो बारह लिख दें, मल्टीप्लाई बाय नौ बाय चौदह ये बना, ठीक है, ये अब हो गया हमारा। अब कटिंग देखें, अब कटिंग हो रही है इन दोनों की, अब होगी ना, तो टू वन जार टू, टू एट जार सिक्सटीन, ठीक है, थ्री वन जार थ्री, थ्री थ्री जार नाइन, मजीद कटिंग नहीं हो सकती, वन वन आ गया, ठीक है, सेवन वन जार सेवन, सेवन टू जार फोर्टीन और तीन तीन नौ और तीन चार बारह, ये भी हो गया हमारा। अब आप देखें कि अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऊपर है तो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करें, तीन को एक से किया तो तीन आ जाएगा, माइनस तीन बाय एक को आठ से करें तो आठ आ जाएगा, इक्वल कर दें आप, ठीक है, इक्वल जब आप करेंगे तो ये एक तीन तीन आ जाएगा, माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तीन के साथ जमा है इसके साथ माइनस तो माइनस साइन आएगा और चार तो आठ आ जाएगा, ठीक है, माइनस तीन बाई आठ और माइनस तीन बाई आठ, यहाँ तक भी ठीक है आपका आंसर। अगर आप करना चाहते हैं आगे तो आप मजीद किस तरीके से करेंगे कि माइनस तीन बाई आठ इक्वल माइनस तीन बाई आठ, अब अगर इनके माइनस दोनों साइड्स पे कट हो सकते हैं इक्वल के दोनों तरफ, ठीक है, तो तीन बाई आठ इक्वल तीन बाई आठ आ जाएगा, यहाँ तक भी ठीक है और यहाँ तक भी ठीक है, ठीक है। सो जहाँ तक आप करना चाहें कर लें, ठीक है। सो अब हम इसके दो दो पार्ट्स आई थिंक और करेंगे, बाकी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। सो दो पार्ट्स जो हैं मैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने और करवाए पार्ट्स हो, ठीक है। सो आप ऐसा कीजिए कि इनकी जितने जो अभी तक मैंने पार्ट्स करवाए हैं, फोर पार्ट्स मैंने करवाई हैं अभी तक, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हैं आपके पार्ट नंबर जो फोर, इन चारों पार्ट्स की आप प्रैक्टिस करें जो पहले चार पार्ट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या करें, आप बाकी रहने दें अभी, बाकी हम लोग इंशाल्लाह अगली लेक्चर में करेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में करेंगे। पहले चार पार्ट्स जो मैंने करवाए हैं उनका आप होम अच्छे से नीट पे उसे सॉल्व करें, ठीक है। सो अगर कोई मिस्टेक हो जाए लेक्चर में तो काइंडली उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे रोल मॉडल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू क्वेश्चन। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।